बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जेम्स वैन हॉर्न की बुक का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस बुक का चैप्टर 5 रिस्क एंड रिटर्न, इसकी आज हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लेट्स मूव ऑन द न्यूमेरिकल्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 1। जेरोम जे डॉट जेरोम इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन अ सिक्योरिटी दैट हैज़ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉसिबल 1 ईयर रिटर्न्स। तो ये रिटर्न्स हैं, और वट इज़ रिक्वायर्ड, वट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट। तो हमें इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न या स्टैंडर्ड डेविएशन इन्वॉल्व है वो बताना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि रिस्क कैलकुलेट करना है। इज देयर मच डाउन साइड रिस्क, हाउ कैन यू टेल? तो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट। सो हम एक टेबल बना लेंगे। एक टेबल हमने, एक फर्स्ट कॉलम है दैट इज़ आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस यानी प्रोबेबिलिटी का कॉलम बना लिया, एंड सेकंड हमने पॉसिबल रिटर्न्स का कॉलम बना लिया। और ये दोनों कॉलम हमें क्वेश्चन में गिवन है एज इट इज़। हम इसको वर्टिकल वे में बना, हॉरिजॉन्टल वे में बना लेंगे, सॉरी वर्टिकल में बना लेंगे। एंड द फर्स्ट थिंग, हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है। किसी सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हमें पॉसिबल प्रोबेबिलिटी भी दी हो और पॉसिबल रिटर्न भी दी हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और उसका सम जो होगा वो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। तो लेट्स सी, तो हम इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 0.1 मल्टीप्लाई बाय -0.1, इट विल बी -0.01। एंड दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया और इसका जब सम किया तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया इस कंपनी का, इस सिक्योरिटी का 0.11, या इसको हम 11% भी कह सकते हैं। पहले हमने इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया और इन सबको फिर प्लस कर लिया तो 0.11 आ गया। ये है इस सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न। इस यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस दी हुई है, प्रोबेबिलिटी का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं ये पॉसिबल रिटर्न्स, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में किसी सिक्योरिटी का रिटर्न फाइंड करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई, मतलब हिस्टोरिकल डाटा, पास्ट डाटा, रियल रिटर्न्स है पास्ट, तो हम उसका एवरेज ले लेंगे जो मीन के थ्रू या ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू, अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन से लेंगे। तो फिलहाल हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है तो हम इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट इज, अब हम रिस्क कैलकुलेट करेंगे। रिस्क जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कैलकुलेशंस करेंगे। जो हमारे पास रिटर्न्स हैं जिसको हम आर कह रहे हैं, आर जीरो -0.1, इसको इसमें से हम पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न को माइनस करेंगे, -0.1 -0.11। तो जब हम आर में से एक्सपेक्टेड रिटर्न को माइनस करेंगे, फिर इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, डिफरेंस का स्क्वायर रूट लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 0.1 से करके देखते हैं कैलकुलेटर पे। सो -0.1 -0.11, सबसे पहले हम ये इक्वेशन रिटर्न में से, पॉसिबल रिटर्न में से एक्सपेक्टेड रिटर्न को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसका हम ले लेंगे स्क्वायर, तो यहाँ पे इट्स स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब दोबारा से उस पर चलते हैं क्वेश्चन पे। स्क्वायर लेने के बाद जो इसकी रेलिवेंट, इस पॉसिबल रिटर्न की रेलिवेंट प्रोबेबिलिटी है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 0.1 या 10% मल्टीप्लाई बाय 0.1। सो द वैल्यू इज दिस, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे ही हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी, ये जिस देखें 0.004141 आ गया है, बिल्कुल एक्यूरेट, ओके। तो जैसे ही हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे आप सोच रहे होंगे माइनस क्यों आ रहा है, तो जब हमने स्क्वायर लिया था तो हमने ब्रैकेट नहीं लगाई थी इसलिए माइनस आ रहा है। आप जब भी स्क्वायर लेंगे ब्रैकेट लगाइएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है अंदर अगर माइनस में वैल्यू भी है तो ये जो स्क्वायर है ये उस माइनस को ख़त्म कर देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ले आएगा। तो हम इसको अब कर देंगे प्लस, जब ये प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा वेरिएंस। तो इसका, इस सिक्योरिटी का वेरिएंस है 0.129। अब हम इस वेरिएंस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और उसके लिए हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे इस वैल्यू का, तो ये हमारे पास, या इसकी जो
पावर है वो 0.5, हम ऐसे भी कह सकते हैं 0.5 पावर ले लेंगे या अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा जो कि इन दिस केस 11.36% है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसका मतलब हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ले लिया। इज़ देयर मच डाउन साइड रिस्क? तो रिस्क जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो इट मीन्स हम किसी सिक्योरिटी का रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब रिस्क की बात करें तो रिस्क में पॉजिटिव मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों रिस्क इन्वॉल्व हैं। तो अगर हम इस सिक्योरिटी के ऊपर बात करें, तो हमें डाउनसाइड रिस्क के लिए हम क्या करेंगे, हम ज़ीरो के ऊपर एक एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे कि कितना बड़े परसेंट चांसेस हैं कि हमारा जो पॉसिबल रिटर्न है वो ज़ीरो से बिलो हो। कितने परसेंट चांसेस हैं डाउनसाइड रिस्क विल बी, कितने परसेंट चांसेस हैं हमारा जो रिटर्न है वो ज़ीरो से बिलो यानी कि नेगेटिव में जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देर इज़ अ 30% प्रॉबिलिटी देन एक्चुअल रिटर्न विल बी ज़ीरो। और ये कैसे हमने कैलकुलेट की है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया। बाई इंस्पेक्शन वी सी दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज सिक्योर टू द लेफ्ट। अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम इसका चार्ट बनाएं और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट मी टेल यू, देखो इसकी मीन वैल्यू मिडल में आ रही हो, मीन वैल्यू मिडल में आ रही हो तो हम कहते हैं सिमेट्रिक है। अगर मीन वैल्यू मिडल में ना आ रही हो और राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे ज़्यादा हो तो राइट स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड होता है। राइट स्क्यूड मतलब पॉजिटिव अपवर्ड रिस्क है ज़्यादा, और लेफ्ट स्क्यूड मतलब नेगेटिव रिस्क यानी कि बिलो ज़ीरो रिस्क ज़्यादा है। तो अगर हम अपने सिनेरियो देखें तो आपकी जो मीन वैल्यू है वो 0.11 है, जबकि हमारे पास जो पॉसिबल रिटर्न्स हैं वो 1 के ऊपर ज़्यादा हैं। तो द थिंग इज़ कि हमारे पास नेगेटिव रिस्क जो है वो आ रहा है इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज़ समर स्ट्रॉम इज एनालाइजिंग एन इन्वेस्टमेंट, द एक्सपेक्टेड 1 year रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 20%, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉसिबल रिटर्न इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है, व्हाट इज़ द चांस दैट इन्वेस्टमेंट विल रिजल्ट इन नेगेटिव रिटर्न। तो हमें किसी एक पॉइंट पे चेक करना है कि क्या चांसेस हैं कि रिजल्ट जो है नेगेटिव है यानी कि बिलो ज़ीरो आए, एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द रिटर्न विल बी ग्रेटर देन 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। जब हम इस टेबल में जाएंगे, इसमें दो कॉलम है बेसिकली, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन यानी जी वैल्यू जो हमने फाइंड की है, और एरिया टू द लेफ्ट और राइट टेल। तो कितना एरिया उस टेल के अंदर आ रहा है हमें ये देखना है। तो 1.33 बेसिकली यहाँ पे फॉल कर रहा है, 1.30 और 35 के बीच में। तो वी कैन से के 30 इज 0.0968 एंड 1.35 इज 0.0885। तो वी कैन से अप्रॉक्सीमेटली 9% प्रोबेबिलिटी है कि जो रिस्क जो हमारी रिटर्न है वो नेगेटिव होगा, ज़ीरो से बिलो होगा। ठीक है, तकरीबन 9% प्रोबेबिलिटी है, 9% चांसेस हैं कि रिटर्न ज़ीरो से बिलो आएंगे। और हम यहाँ पे इसको इंटरपोलेट भी कर सकते हैं, आप इंटरपोलेशन से भी एग्जैक्ट फिगर फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इंटरपोलेशन से फाइंड करेंगे तो इट विल बी 9.13 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो दिस इज़ द वे हम ये जो फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज़। इसी तरह हम ये करेंगे बाकी के भी क्वेश्चन को। बी पार्ट इज़ वट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट रिटर्न विल बी ग्रेटर देन 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। तो इन डिफरेंट पॉइंट्स पर हमें फाइंड करना है। तो अब हमने एक दफ़ा फार्मूला समझ लिया है, जी स्कोर की वैल्यू देखना सीख लिया है, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 10% पर जब हम कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली -0.0667। और इसको अगर हम पीछे वैल्यूज जाके देखेंगे तो इट विल बी अबाउट 25%। तो 25% प्रोबेबिलिटी है कि 10% या उससे ज़्यादा जो है रिटर्न जो है आ सकता है, प्रोबेबिलिटी 25% इसे बिलो है। तो अब हम अगर ज़्यादा देखना चाह रहे हैं तो 75% विल बी द प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, ट्वेंटी परसेंट के ऊपर अगर हम देखें कितनी प्रॉबिलिटी है, तो इट विल बी 50% प्रॉबिलिटी ऑफ रिटर्न बीइंग अबव 20%।
एंड 30% पे दोबारा इसी फॉर्मूले से करेंगे, पॉजिटिव में हमारे पास अब वैल्यू आ रही है, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ 30% और मोर रिटर्न इज 25%, 40% पे 9% एंड 50% पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है दैट इज़ 2.28। सो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज़, सपोज दैट यू हैव यू आर बीन गिवन द फॉलोइंग डाटा फॉर पास्ट एक्सेस क्वार्टरली रिटर्न्स फॉर मार्कीज इम्पोर्ट्स इनकॉर्पोरेशन एंड फॉर द मार्केट पोर्टफोलियो। तो हमारे पास पास्ट रिटर्न्स हैं कुछ। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होगी, जब पास्ट रिटर्न गिवन होंगे तो प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन होगी। तो दीज आर द पास्ट रिटर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन ग्राफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स ऑफ एक्सेस रिटर्न्स। तो कह रहे हैं एक्सेस रिटर्न कितने हैं इनके, दो सेट्स जो हैं आपके पास, एक एक कंपनी का है, एक पोर्टफोलियो का है एक्सेस रिटर्न, तो ये दिखाएं और इसको करैक्टरिस्टिक लाइन के थ्रू जो है ड्रॉ करें और बताएं कि अप्रोक्सीमेट बीटा क्या है एंड व्हाट यू कैन से अबाउट द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ स्टॉक बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। तो अगर हम इसकी एक ड्रॉ करें लाइन, तो आप जब ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली एक रफ सी लाइन बनेगी, बट वी हैव सम ऑफ टाइप ऑफ एस्टिमेट 0.38% इस कंपनी का रिस्क रिक्वायर्ड रिटर्न आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इट आस्किंग करंटली द रिस्क फ्री रेट 10%, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इज 15%। मार्केट एनालिसिस रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑफ 4 स्टॉक आर लिस्टेड बिलो। ये मार्केट के एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो स्टॉक के आ रहे हैं और उनके एक्सपेक्टेड बीटाज भी गिवन हैं, ठीक है। बट दे आर आस्किंग इफ द एनालिसिस एक्सपेक्टेशन आर करेक्ट, विच स्टॉक इफ एनी आर ओवर वैल्यूड। कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यू है और कौन सा अंडर वैल्यू है। रिस्क फ्री रेट जबकि 10% और मार्केट जो पोर्टफोलियो जो मार्केट रेट है दैट इज 15% होगा। लेट्स सी अबाउट दिस। तो हम ये तमाम रिस्क जो रिटर्न्स हैं और जो एक्सेस रिस्क है मार्केट का, इसको हम चार्ट पे ड्रॉ करेंगे और इनका रिलेशनशिप देखेंगे करैक्टरिस्टिक लाइन पे। हमने एक्स एक्सिस पे एक्सेस रिटर्न मार्केट पोर्टफोलियो ले लिया है एंड जो मार्की का है वो हमने वाई पे ले लिया और हमने इनकी जो प्लॉटिंग कर ली है तमाम उसकी, और जब इनमें से एक विडल वैल्यू ले हैं और हम इसका एक ट्रेंड फाइंड करने की कोशिश करें, तो हम देखते हैं तमाम जो पॉइंट्स हैं वो एक लाइन के इर्द गिर्द हैं एंड दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.5, दैट्स द बीटा एंड दिस इज़ द वे। कंपनी का क्योंकि बीटा इज तो स्टॉक हैज मच सिस्टमैटिक रिस्क एज अ मार्केट होल, इट वुड बी डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कंपनी का जो स्टॉक है वो उसके पोर्टफोलियो से कम फ्लक्चुएट कर रहा है। नेक्स्ट इज कैपम अप्रोच यूज करनी है और कैपम से हमने हमें कह रहे हैं कि डिफरेंट स्टॉक की वैल्यू करें, बीटास गिवन हैं, स्टॉक की प्राइसेस गिवन है, रिस्क फ्री रेट गिवन है, और जिस तरह हम पहले करते हैं हम बिल्कुल वैसे ही, हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, रिस्क फ्री इंटू मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट इंटू बीटा ऑफ अ कंपनी, और हम इस तरह सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे। नेक्स्ट इज द बीटा हमें जो गिवन है एज इट इज,
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इसमें गोमेज यहाँ पे गोमेज जो है वो अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न कह रहा है स्टॉक की 12% है, रिस्क फ्री रेट जो है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में है वो 7% है, एंड गोमेज जो है प्रैक्टिकली इंटरेस्टेड है कैसलर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के अंदर, और उसका 5 साल का मंथली डाटा देख के उसने एक करेक्टरिस्टिक लाइन डेवलप की है, और उसका जो उसने बीटा स्लोप ऑफ लाइन निकाला है दैट इज़ 1.67, स्लोप ऑफ लाइन जो होता है दैट इज़ इक्वल टू बीटा, ये बीटा ही होता है, और फाइनेंशियल मार्केट्स कह रहे हैं अगर एफिशिएंट हो तो ये कंपनी कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें इससे मिल सकता है, या तो यानी इस कंपनी का रिटर्न क्या होगा, तो हम इस डाटा को कैपम मॉडल के थ्रू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैपम मॉडल से, हमारे पास ये रिजल्ट्स आ जाएंगे 15.338% जो है वो हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये कंपनी जो क्वेश्चन नंबर 6 है, रिस्क फ्री रेट गिवन है, पोर्टफोलियो का मार्केट रेट गिवन है, स्टॉक्स है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है बीट डिफरेंट स्टॉक के और एक्सपेक्टेड बीटा है, और कहा जा रहा है कंपनी का जो है एक्सपेक्टेड पोर्टफोलियो जो है ना इस पूरा वो कैलकुलेट करें पोर्टफोलियो का रिटर्न, और बताएं कि क्या ओवर वैल्यूड है स्टॉक, कौन से स्टॉक ओवर वैल्यूड है और कौन से अंडर वैल्यूड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये एक ड्रॉ लाइन ड्रॉ करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे बीटाज और वाई एक्सिस पे हम कंपनीज के तमाम चारों कंपनीज से एक्सपेक्टेड रिटर्न ले लेते हैं। और इन पॉइंट्स को हम इस लाइन पे शो करते हैं, जब हम इस ग्राफ पे इनके पॉइंट्स कर देंगे तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा रिस्क फ्री रेट 10% है तो हम 10% से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, और कैलकुलेट करेंगे कि जो भी इस लाइन के बिलो एंड अबव है वो ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड स्टॉक होंगे, जो भी अबव होंगे वो ओवर वैल्यूड हैं, जो बिलो आएंगे जो बिलो आएंगे वो अंडर ओवर वैल्यूड हैं, जो अबव आएंगे वो अंडर वैल्यू स्टॉक हैं। तो कह रहे हैं स्टॉक 4 इज़ ओवर वैल्यूड स्टॉक, सो द इंडिकेट दैट स्टॉक 1 and 2 आर अंडर वैल्यूड वाइल स्टॉक 4 इज ओवर वैल्यूड, स्टॉक 3 इज प्राइस्ड सो दैट इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न एग्जैक्टली इक्वल द रिक्वायर्ड रेट। तो जितना रिक्वायर्ड रेट है उतना ही ये इसका स्टॉक है, तो ना तो ये ओवर वैल्यूड है और ना ही अंडर वैल्यूड। हम इसे क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, हमारा मार्केट रेट 15% है और जो थर्ड वाली इन्वेस्टमेंट है वो 15.5% उसका एक्सपेक्टेड रेट है, इट्स नॉट मोर देन नॉट लोअर, सो इट्स अबव दैट। सेकेंड पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि अगर हमारा रिस्क फ्री रेट 12% हो तो मार्केट पे इसका क्या इफेक्ट आता है और करेक्टरिस्टिक लाइन कैसे डेवलप होती है। सो यहाँ पे हम डेवलप करते हैं कोर लाइन, और यहाँ पे अब जब हम लाइन गुजारेंगे इन पॉइंट से वो 12% से ही स्ट्रेट लाइन जो है पास आउट होगी, जब 12% से पास आउट होगी तो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इस लाइन के बिलो आ गए हैं, तो जितने भी बिलो लाइन स्टॉक हैं दैट आर ओवर वैल्यूड, ये सब ओवर वैल्यूड हैं ये स्टॉक। और जिनका रिलेशनशिप है वो जैसे ही ये चेंज होता है मार्केट रेट या तो बीटास भी चेंज होते हैं और इसका इफेक्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7,
हमें कुछ सिक्योरिटीज़ दी गई हैं एंड सलीना मंजीना इन्वेस्ट इन दिस अमाउंट की बताइए कितनी कितनी इन्वेस्ट की हुई है किस सिक्योरिटी में और इनके एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें गिवन किए हुए हैं और रिक्वायर किया व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ हर पोर्टफोलियो। तो हम इन सब का पोर्टफोलियो अगर बनाते हैं और इनके एक्सपेक्टेड रिटर्न देखते हैं तो हम देखते हैं हम एक चार्ट बना लेते हैं सिंपली व्हाट वी हैव टू डू। हमने इन तमाम अमाउंट्स के जो हैं वेट्स निकालने हैं और इनका वेटेड एवरेज ले लेंगे तो हमारे पास पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा और अमाउंट्स इनके किस तरह से वेट्स कैसे निकलेंगे जो जो इनकी इन्वेस्टमेंट है से टोटल इन्वेस्टमेंट पे डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख शेयर कंपनी की वो 6,000 है और डिवाइड बाई 60,000 करेंगे तो हमारे पास इनके वेट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो हम इस तरह सबके वेट्स कैलकुलेट कर लेंगे टोटल वेट्स जो हैं वो 1 के इक्वल आएंगे। थर्ड स्टेप पे हमने क्या करना है कि जितने भी हमारे वेट्स हैं इनको इनके रेलिवेंट एक्सपेक्टेड जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ वेट्स को एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई कर देना जो हमें गिवन है क्वेश्चन में उनके साथ तो हमारे पास वेटेड जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आ जाएंगे और उनका जब सम करेंगे तो वो हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा। इन दिस केस 16.02%। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि आपने जो फोर्थ आपकी जो एक इन्वेस्टमेंट है एक्सेलरेस हेल्थ हेयर ग्रोथ इनकॉर्पोरेशन की अगर हम इसको 4 गुना कर दें इस इन्वेस्टमेंट को और ये हायर इन्वेस्टमेंट आप देखें इसका सबसे ज़्यादा रिटर्न है पूरे पोर्टफोलियो में अगर हम इसे 4 गुना बढ़ा दें तो हमारा पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होगा। तो हम इसको बढ़ा देते हैं 5,000 से 20,000 पे कर देते हैं। हम दोबारा वही टेबल बनाया सिंबल्स हैं एनुअल हमारी इन्वेस्टमेंट है इस पर। अब हमारे क्योंकि इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन चेंज हुआ है तो वेट्स भी चेंज हो जाएंगे या अन्य प्रोपोर्शंस कह लें तो अब ये वेट 75,000 पे हर इन्वेस्टमेंट डिवाइड होगी तो फिर न्यू वेट्स आ जाएंगे और इनको दोबारा एक्सपेक्टेड रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि हमने अपनी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसको इंक्रीज़ किया है तो हमारा पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो भी ओवरऑल इंक्रीज़ कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सॉल्ट लेक इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड्स मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर कमर्शियल बिल्डिंग एंड करंटली द बीटा ऑन द स्टॉक इज 1.08 और ये सारा उसका रिस्क फ्री रेट है मार्केट रेट 15% है शेयर डिविडेंड जो है वो $2 पे है और कह रहे हैं आप ये कैपम मॉडल से कंपनी का रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं और जो अपने वैल्यू निकालनी है कंपनी के प्राइस क्या होगी डॉलर प्राइस आपके मुताबिक इस स्टॉक की वैल्यू क्या है। तो स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमने और हम इसको बिल्कुल पिछले चैप्टर में जैसे किया गॉर्डन मेथड से कर सकते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जिसे कहते हैं। तो रिक्वायर्ड रेट हमने बिल्कुल कैलकुलेट किया जैसे कैपम मॉडल से करते हैं हमारे पास वो डाटा था रिस्क फ्री मार्केट रेट और बीटा और जब वो रिक्वायर्ड रेट कर लिया तो उससे फिर हमने जो वैल्यू है वो गॉर्डन मेथड से निकाली उसी रिक्वायर्ड रेट को यूज़ करके तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट और हमारे पास वैल्यू इसकी आ रही है अबाउट 45.45 जो वैल्यू हम इस स्टॉक को दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं कंपनी के पोर्टफोलियो है और उनके डिफरेंट बीटा हैं कह रहे हैं इफ़ यू इन्वेस्ट 20% ऑफ योर फंड इन ईच ऑफ
पहले चार जो इन्वेस्टमेंट है उस पर 20% इन्वेस्टमेंट, हर एक में 20% इन्वेस्ट करें, और आखिरी जो दो हैं उसमें हर दोनों में 10-10% जो है इन्वेस्टमेंट करें, तो कंपनी का पोर्टफोलियो का बिकता क्या होगा। तो बिल्कुल वैसे जैसे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया पोर्टफोलियो का, हम पोर्टफोलियो का बीटा भी जो है वैसे ही लेंगे, इनके वेट्स लेंगे और जो कि हमें बताए हैं, और उन वेट्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बीटास को, और फिर उसका सबमिशन करेंगे, जो इनका सम आएगा वो बीटा होगा। तो पहले चार हमें वेट्स बताए थे 20% है, हमने लिख दिए 0.2 चारों में, और लास्ट दो क्योंकि 10-10% थे तो 0.11। टोटल वेट्स हमारे बन गए 18, 19 एंड 101 के, इक्वल 100% वेट हैं। और बीटाज जो हैं वो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे रेलिवेंट वेट से और इनका सम करेंगे, तो हमारे पास पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा, दैट इज़ 1.115। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि जो रिस्क फ्री रेट अगर 8% हो और मार्केट पोर्टफोलियो 14%, तो कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। तो वी कैन फाइंड दैट फ्रॉम कैपएम मॉडल, कैपएम मॉडल से हमारे पास बीटा पोर्टफोलियो का गिवन है, तो पोर्टफोलियो का बीटा लगाएंगे, रिस्क फ्री रेट और मार्केट रेट, और हमारे पास इजीली आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कंपनी इन द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस स्पेसिफिक आइटम में इनका काम है, और वट दे आर डूइंग अज्यूम दैट द कंपनीज कॉमन स्टॉक कैन बी वैल्यूड यूजिंग द कॉन्स्टेंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, और गॉर्डन जो मॉडल का मेथड है वो कह रहे हैं डिस्काउंट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यूज़ करें, जिसको हम गॉर्डन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। ये वही मॉडल है जो हम फोर्थ चैप्टर में स्टडी करके आए लास्ट चैप्टर में। और आपने एक से नेक्स्ट ईयर का आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड भी दिया है 3.40 नेक्स्ट ईयर का है, एक्सपेक्टेड है, और डिविडेंड ग्रोथ जो है परसेंटेज कांस्टेंट है 6% पे, और कंपनी जो इस वक्त इसका शेयर बिक रहा है वो $30 पे बिक रहा है, और हमसे कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू अस हमारे मुताबिक हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इस कंपनी के स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, हम क्या इसकी वैल्यू प्लेस करते हैं। तो हम इन डाटा की कैलकुलेशन पे देखते हैं, हम पहले कैपएम से इसका रिक्वायर्ड रेट कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे उसके थ्रू हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे शेयर की। तो रिक्वायर्ड रेट आ रहा है इसका अबाउट 26%, और जो वैल्यू हमारे मुताबिक स्टॉक की बनती है दैट इज़ $17। लेकिन हम इस स्टॉक को $30 में सेल कर रहे हैं, तो कंपनी पूछा ही जा रहा है कि क्या ये स्टॉक ओवर प्राइज्ड है या अंडर प्राइज्ड है। तो ऑब्वियसली हम $17 इसकी वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, हमें हमारे मुताबिक ये वैल्यू $17 है, बट मार्केट में ये जो शेयर सेल हो रहा है $30 का हो रहा है, तो इट मीन्स इट्स ओवर वैल्यूड, मार्केट में इसकी वैल्यू ज़्यादा ली जा रही है। अगर हम इसे $30 का ख़रीदेंगे तो हम इसका मतलब इस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा, इस स्टॉक के लिए ज़्यादा पैसे पे कर रहे हैं, तो इसका जो रिटर्न है वो हमें कम मिलेगा, जो हम इसे एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वो हमें रिस्पेक्टिवली कम हो जाएगा सिस्टमेटिक रिस्क के साथ। नाउ अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कॉमन स्टॉक डी ई एफ हमारे पास हैं और इनके कुछ एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन गिवन है, और पोर्टफोलियो बनाना है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन है तीनों की, और इन तीनों में कोरिलेशन है, डी और ई में कोरिलेशन 0.40 है, डी एफ का कोरिलेशन 0.60 है, तो इनका क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। अगर हम 20% इन्वेस्टमेंट करते हैं डी में, 30% ई में और 50% एफ में, तो इनके वेट्स भी गिवन है 20%, 30 और 50। तो अब हम इनका पोर्टफोलियो का रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ ईजी।
तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना, तो बिल्कुल जैसे पहले हमने देखा तीनों सिक्योरिटीज़ के जो रिटर्न्स हैं इनकी, इनको इनके एक्सपेक्टेड इनके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को और पर प्लस कर देंगे, तो हमारे पास तीनों का बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा। रिस्क कैलकुलेट करना थोड़ा सा लेंथी है बट इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इक्वेशन को आपके सामने टाइप करूँगी। द थिंक हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम वेट्स लेंगे, वेट को उनके रेलिवेंट स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम वेट ले रहे हैं एक का वेट, उसका स्क्वायर और उसी सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वेट बी और उसी का बी का स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका वेट ले रहे हैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और दोनों के लेके स्क्वेयर, उनको करेंगे मल्टीप्लाई। फिर इसी तरह वेट का स्क्वेयर सी का, अब थर्ड हमारे पास सिक्योरिटी है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन और वेट्स उनके स्क्वेयर्स लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह तीनों हमारे पास जो सिक्योरिटीज़ हैं, मतलब हमारे जो एब्रीविएशन बुक पे गिवन है दैट इज़ डी ई एफ, तो डी ई एफ के जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और इनके जो वेट्स गिवन है 0.2, 0.3 एंड 0.5, वो मल्टी उनके स्केयर्स पहले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एड अप करेंगे प्लस। अब यहाँ पे ये चीज़ ऐड करनी है, टू आपने लिखना है फॉर्मूले का, इनटू वेट, फर्स्ट सिक्योरिटी का वेट उसका स्केयर, स्टैंडर्ड डेविएशन स्केयर, वेट टू सेकंड सिक्योरिटी का वेट उसका स्केयर, सेकंड सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन इसका स्केयर, मतलब ये दोनों दोबारा से यहाँ सब मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई एक और चीज़, कोरिलेशन ए बी, मतलब पहली दो सिक्योरिटीज़ जिनकी हम वेट्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ले रहे हैं इनका कोरिलेशन, देखिए जैसा कि क्वेश्चन में आपको कोरिलेशन गिवन है बिटवीन डी एंड ई, बिटवीन डी एंड एफ, बिटवीन ई एंड एफ, तो ये आप ए बी सी बेशक इसको नाम दे दें, तो इन तीनों के आपको कोरिलेशन गिवन है। इसी तरह जब ये कर लिया प्लस, अब हमने पहली दो सिक्योरिटीज़ का कर लिया, फिर से प्लस टू लगाएंगे फॉर्मूले का, और अब फर्स्ट और थर्ड यानी पहली और तीसरी सिक्योरिटी का सिमिलरली ऐसे ही वेट, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेट, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन, और इन सब के स्केयर्स होंगे, कोरिलेशन का स्केयर नहीं होगा बस, ठीक है। फिर प्लस अभी दो सिक्योरिटीज़ का हुआ, अब तीसरा पोर्शन, पहला दूसरा, पहली तीसरी, और अब दूसरी और तीसरी का पेयर बनाएंगे, तो वेट सेकंड सिक्योरिटी का वेट, सेकंड सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड सिक्योरिटी का वेट, थर्ड सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन, थर्ड और सेकंड और थर्ड का कोरिलेशन, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो जो मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यूज निकाली इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी इनकी पोर्टफोलियो की। अब हम इसको देखते हैं कि हमने अपने क्वेश्चन का कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास वेट है सिक्योरिटी, फर्स्ट सिक्योरिटी जो डी सिक्योरिटी है उसका वेट 20% और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास 0.02, दिस इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन 0.02 आ रहा था, ठीक है, वो ले लिया। इन दोनों के स्केयर ले लिए प्लस सेकेंड का वेट है 0.3 उसका स्केयर लिया और सेकेंड की सिक्योर जो ई सिक्योरिटी है हमारे पास उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.16 उसका स्केयर ले लिया प्लस 0.5 थर्ड सिक्योरिटी का वेट है और 0.08 थर्ड सिक्योरिटी यानी एफ का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है, दोनों के स्केयर लिए, उन्हें मल्टीप्लाई कर लिया प्लस टू फर्स्ट डी का वेट, डी का स्टैंडर्ड डेविएशन, डी का ई का वेट, ई का स्टैंडर्ड डेविएशन, सबके स्केयर लिए और डी और ई का जो कोरिलेशन है वो 0.4, इन सबको हमने मल्टीप्लाई कर लिया प्लस 2 0.2 यानी ये आ जाएगा डी का वेट का स्केयर, डी का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर, ई का एफ का सॉरी एफ का, अब यहाँ पे थर्ड सिक्योरिटी हमारे पास एफ है, एफ का वेट का स्केयर, एफ़ का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर और ये डी और एफ़ का जो है कोरिलेशन आ जाएगा, ये देखें डी और एफ़ का कोरिलेशन इज 0.60।
नेक्स्ट प्लस टू अगेन डी का जो है हम यहाँ पे सॉरी ई का हमने वेट लेना है, ई का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, एफ का वेट का स्क्वायर, एफ का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर और इनकी जो कोरिलेशन है उसका स्क्वायर वो लेनी है। अब इन सबको मल्टीप्लाई पहले कर लेना है, जब सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो उन फिगर्स को प्लस कर लेना है। तो हमारे पास बेसिकली जो आंसर आएगा दैट विल बी 8.56%। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो विल बी इक्वल टू 8.56%। इट्स लिटिल बिट ट्रिकी बट इट नॉट डिफ़िकल्ट थिंग, आप इसको अटैम्प्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये था आज की वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर मैक्सिमम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।